और भगवान ने कहा है ब्रह्मा जी से कि आप सृष्टि करें, कि भगवान इस पानी पे सृष्टि कैसे करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले मन से सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चार पुत्रों को उत्पन्न किया है। तो बेटा आप सृष्टि करो। सनकादि कहने लगे कि हम तो भजन करने जाएंगे, सृष्टि नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को वहां क्षोभ हुआ है, क्षोभ का मतलब गुस्सा आया है, और उनके नक छिद्र से एक बरहा शिशु निकला है। उससे पहले मानसिक सृष्टि करी थी उन्होंने। बरहा शिशु निकलने से पहले मानसिक सृष्टि भी करी है। जो शिशु निकला तो वो उनका नाम रुद्र हुआ है। वो रोज आ रहे थे तो उनका नाम रुद्र हुआ है। बोलो शंकर भगवान की। तो उनसे कहा है कि आप प्रभु सृष्टि करो बेटा। तो उन्होंने भूत प्रेत पिचास जाकनी साकनी सब की लेन लगा दी और ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। बोले बेटा वरेंद्र आपकी सृष्टि यहीं तक ठीक है, सृष्टि तो हुई नहीं, खाने वाले पहले हो गए कि हम क्या करें, हमें काम दो और हमें नाम दो कि आप भगवान का भजन करो। भजन करने चले गए। अब छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न करे हैं और मन से वाणी से सरस्वती उत्पन्न करे हैं और 10 ऋषि पुत्रों को उत्पन्न किया है। तो ये मानसिक सृष्टि हुई है। फिर ब्रह्मा जी व्यस्त हो गए, अब क्या करें, सृष्टि तो आगे बढ़ी नहीं रही। तो उनके शरीर से 2 फाड़ हो गए हैं ब्रह्मा जी के शरीर से। तो एक से मनु और एक से शत्रुपा। तो उनसे कहा है कि आप सृष्टि करें। तो मनु शत्रुपा की हम और आप पूरा विश्व संतान हैं,